हेलो दोस्तों, आज हम एक एआई एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म क्रिएट करने वाले हैं। आप पहले आउटपुट देख लीजिए। They say every end has a new beginning, but what if you're the last one standing? The chaos, a beacon of loyalty in a sea of solitude. और इसको अपलोड करके हम लेंस गो एआई के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका फर्स्ट प्राइज है $1,000। सो इस वीडियो को हम 6 पार्ट्स में क्रिएट करेंगे। पार्ट 1, जनरेटिंग स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए आज हम यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट को पायलट। यहां हम अपना प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, देन एंटर। इतना करते ही हमें अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट मिल जाएगी, जिसमें बाद में आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट्स लिख करके चेंज भी कर सकते हो। पार्ट 2, जनरेटिंग एनिमेटेड वीडियोस। वीडियोस जनरेट करने के लिए हम आ जाएंगे लेंस गो एआई पे और हम यहां अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेंगे। उसके बाद हम अपना एक यूजर नेम यहां लिख देंगे। तो चलिए अब बिना देरी के क्रिएट करते हैं एनिमेटेड वीडियो। उसके लिए हम क्लिक करेंगे यहां टेक्स्ट टू वीडियो पर। स्टाइल में सेलेक्ट कर लेते हैं एनिमे। वैसे आप अपना मनचाहा स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। देन इमेज डायमेंशन 16:9 और कैमरा मूवमेंट जूम आउट। बट दोस्तों, वीडियो जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसके लिए एक बार हम फिर से आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट को पायलट पर और यहां हम लिख देते हैं एक प्रॉम्प्ट, जो कि है राइट द प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट द इमेजेस ऑफ दिस स्टोरी इन सीक्वेंस, देन एंटर। इतना करते ही हमें सभी प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। अब इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करके हम यहां लेंस गो में पेस्ट कर देते हैं एंड देन हम क्लिक कर देंगे जनरेट पर और हमारी वीडियो विद इन अ फ्यू मिनट्स जनरेट हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक वीडियो को जनरेट करने के बाद मैंने वीडियो का स्टाइल चेंज करके कर दिया गिबली स्टाइल, जिसके आउटपुट कुछ इस तरह के मिले। तो आप इस तरह से सभी वीडियोस जनरेट कर सकते हो। पार्ट 3, क्रिएटिंग वॉइस ओवर। वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम पहले अपने नैरेटर के डायलॉग को कॉपी कर लेंगे, उसे यहां 11 लैब्स में पेस्ट कर देंगे और फिर क्लिक कर देंगे जनरेट पर। They say every end has a new beginning, but what if you're the last one standing? इसके बाद आप इस वॉइस को यहां डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। सेम इसी तरह से आपको पूरी स्क्रिप्ट की ऑडियो जनरेट कर लेनी है। वैसे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि 11 लैब्स को कैसे यूज करना है, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो आई बटन पर क्लिक करके। पार्ट 4, एडिटिंग वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी ऑडियोज और वीडियोज को वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लेंगे। देन हम अपनी ऑडियोज को सीक्वेंस में टाइमलाइन में प्लेस करेंगे एंड देन हम ऑडियो के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो को टाइमलाइन में प्लेस करेंगे, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग ट्रांजिशन और वीडियो इफेक्ट्स लगा सकते हो। एडिटिंग के लिए आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, लाइक इन शॉर्ट। एंड इन शॉर्ट पर मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड ऑन आई बटन। वीडियो एडिट करने के बाद हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। बट हमारी इस वीडियो का थंबनेल कौन बनाएगा? दोस्तों डोंट वरी, एआई विल डू दैट। पार्ट 5, क्रिएटिंग थंबनेल। थंबनेल क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे आइडियोग्राम एआई। हमें डिजाइन तो करना नहीं है, बस एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखना है एंड प्रॉम्प्ट लिखने के बाद हम क्लिक कर देंगे जनरेट पर और हमारी वीडियो का थंबनेल रेडी हो जाएगा। पार्ट 6, पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। आप लेंस गो एआई के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो? पार्टिसिपेट करने के लिए आप ट्विटर यानी एक्स या फिर यूट्यूब पर अपनी वीडियो पोस्ट कर सकते हो। अगर ट्विटर पर अपलोड कर रहे हो तो आप लेंस गो एआई को @lensgo_ai लिख करके टैग करोगे एंड अगर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हो तो @lensgo_ai और आपको 2 हैशटैग्स का यूज करना होगा, तभी कंपटीशन में आपकी एंट्री मानी जाएगी, जो कि है #lensgoa.ai एंड #multiverseofmind। और अगर आप ट्विटर पर हैं तो मुझे भी फॉलो कर लीजिएगा एंड आइडियोग्राम एआई के बारे में डिटेल में जानने के लिए क्लिक करिए इस लेफ्ट वाली वीडियो पर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।